फ्रेंड्स, दिस इज़ वायलिन सचिन। और इस वीडियो में मैं आपको बिलावल राग में एक सरगम गीत और सेकंड शिफ्ट की एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगा। तो सेकंड शिफ्ट के लिए हमने फर्स्ट शिफ्ट माँ पे किया था, फिर पा सेकंड फिंगर से, ध फर्स्ट फिंगर से, नी सेकंड फिंगर, सा थर्ड फिंगर। तो वापस भी सेम आएंगे, सा नी ध फर्स्ट फिंगर, पा सेकंड फिंगर, मा फर्स्ट फिंगर, ग सेकंड फिंगर, रे फर्स्ट फिंगर, सा। सा रे ग फर्स्ट शिफ्ट मा, पा सेकंड शिफ्ट, सा नी ध पा मा ग रे सा सा। सेकेंड शिफ्ट की अलंकार प्रैक्टिस, इसमें थ्री नोट्स वाला अलंकार, तीन स्वर वाला अलंकार, सा रे ग रे ग म ग म प, और फोर नोट्स वाला अलंकार आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फोर्थ वाले अलंकार के लिए हम अपनी फोर्थ फिंगर भी यूज़ करेंगे, सारेगामा रेगामा पा एक स्ट्रिंग पर। राग बिलावल में सरगम गीत, तो ये तीन ताल में ही है सरगम गीत, और चार चार स्वर करके मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहली जो लाइन है, ग रे ग
pa. Then a ki matra a dha a ni. So pura bajayenge shuru se. Ga re ga pa a dha a ni. A ki matra mein aap उसी स्वर को खींचते रहेंगे जो हम लास्ट प्ले कर रहे थे. ग रे ग प अ ध अ नी. इसके बाद सा नी ब प म ग म रे. तो मैं पूरी लाइन प्ले करूंगा. ग रे ग प अ ध हमारी पहली लाइन है. इसको दो बार प्ले करेंगे हम साथ में. 1 2 3 स्टार्ट. Line ga ma pa ga ma re sa a. 4-4 notes karke batata hu. Ga ma pa ga then ma re sa a pura saath mein. Ga ma pa ga ma re sa. Iske baad ni dha ni sa. Ab ye मंद्र सप्तक का नी तीसरी स्ट्रिंग पर बजाएंगे हम अपने बेस के पा वाली में. नी ग नी सा. उसके बाद ग रे सा आ. सेकंड लाइन ग म प ग म रे सा आ. नी ध नी सा ग रे सा आ. अब इस लाइन को दो बार प्ले करेंगे साथ में. 1 2 1 2 3 स्टार्ट. ग म प ग म रे सा नी ध नी सा ग रे सा. नेक्स्ट लाइन ग प म ग. उसके बाद मा रे ग प. पूरे 8 स्वर साथ में. ग प मा ग मा रे ग प. उसके बाद ध नी सा रे सा ग रे सा. इस फेज में आप पहले भी शिफ्ट कर सकते हैं बाद में भी. ध नी सा रे सा ग रे सा. पूरी लाइन में प्ले करूंगा. ग प म ग म रे ग प त नी सा रे सा ग रे. पूरी लाइन में प्ले करूंगा. ग प म ग म रे ग प ध नी सा रे सा ग रे. ग म प ग. थर्ड लाइन ग म प ग. इसके बाद म रे सा. सॉरी थर्ड लाइन ग प म ग. उसके बाद म रे ग प. 8 स्वर साथ में. ग प म ग म रे ग प. ग प म ग म रे ग प.
उसके बाद ध्वनि सा रे, इसमें आप सा में शिफ्ट करेंगे ध्वनि सा रे, इसके बाद सा ग रे सा, तो ध्वनि सा रे सा ग रे सा। थर्ड लाइन पूरी ग प म ग म रे ग प, ध्वनि सा रे सा ग रे सा। इसके बाद म हम अपनी फोर्थ फिंगर से बजाएंगे सा रे ग, ग के जस्ट पास में म, फोर्थ फिंगर से हम म बजाएंगे म ग रे सा आ। तो पहले चार स्वर म ग रे सा, उसके बाद आ ग रे सा, इसको पूरा प्ले करेंगे म ग रे सा आ ग रे सा, इसके बाद रे सा नी ध सा नी ध पा। पूरी लाइन पूरी फोर्थ लाइन म ग रे सा आ ग रे सा नी द पा। उसके बाद म ग रे ग प प प, तो पहले चार स्वर म ग रे ग, फिर प आ त प, फिर म ग प म, लास्ट चार ग रे सा आ म ग रे ग प द प म ग प म ग रे सा म ग रे ग प द प म ग प म ग रे सा। अगर आप सुन के याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं इसकी बंदिश की फ़ोटो दे दूँगा, आप लोग पूरी बंदिश लिख सकते हैं। तो ये स्थाई था बंदिश का, मैं सारी लाइंस दो बार तबले के साथ प्ले करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिक लेवल की बंदिश है, इसको सरगम गीत बोलते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है, जिनको वायलिन बिल्कुल नहीं आता ये बंदिश उनके लिए है। जो ऑलरेडी प्ले करते हैं वायलिन वो मैं रिकमेंड करूँगा। काला रामनाथ मैम का चैनल भी फॉलो करो आप लोग, उसमें मैम ने अभी राग भोपाली और राग भैरव की बंदिश दी है गायकी अंग में,
तो अगर आप लोग एडवांस लेवल पे हैं तो आप उसको प्ले कर सकते हो। वो वीडियो डी स्केल में रहेगी तो आपकी जो स्ट्रिंग रहेगी डी ए में ट्यून होगी। सबसे बेस वाला सा डी पा ए फिर सा डी फिर ए। अभी हम ई बी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा लो करना पड़ेगा। अंतरे की फर्स्ट लाइन चार चार स्वर करके नी धा पा ग, उसके बाद पाद पादा आनी, पूरे आठ स्वर नी धा पा ग पादा आनी, इसके बाद सा आ सा नी, नेक्स्ट सा रे सा आ, तो पूरी लाइन नी धा पा ग पादा आनी सा आ सा नी सा रे सा आ। इसके बाद शिफ्ट करेंगे सा पे सा रे सा ग रे सा मा ग रे सा ए रे सा नी सा। तो ये पूरी लाइन है, मैं इसको फोर फोर करके प्ले करता हूँ। सा रे सा ग, उसके बाद रे सा मा ग, फिर रे सा रे फिर सा नी सा आ। तो पूरी लाइन सा रे सा ग रे सा मा ग रे सा रे सा नी सा आ। उसके बाद थर्ड लाइन सा नी धनी सा रे सा नी ध पा धनी सा नी ध पा। तो ये चार पार्ट थे इस लाइन के, सा नी धनी फिर सा रे सा नी फिर ध पा धनी फिर सा नी ध पा, पूरी लाइन सा नी धनी सा रे सा नी ध पा धनी सा नी ध पा। नेक्स्ट लाइन मा ग मा रे, इसके बाद ग मा पा ग फिर मा रे सा आ ग रे ए ग पा आ, सॉरी। तो फोर्थ लाइन मा ग मा रे ग मा पा ग मा रे सा आ ग रे ए सा। तो पूरी लाइन मा ग मा रे ग मा पा ग मा रे सा आ ग रे ए ग। नेक्स्ट लाइन पा आ नी ध, नेक्स्ट आ नी सा आ पा आ नी ध आ नी सा। तो ये वाली लाइन थोड़ी डिफिकल्ट है, पा आ नी ध देन आ नी सा आ नी ध पा मा ग रे सा आ। तो लास्ट लाइन पा आ नी ध आ नी सा आ नी ध पा मा ग रे सा आ। तो जो लास्ट की दो लाइन है वो साथ में प्ले होंगी फोर्थ और फिफ्थ। मा ग मा रे ग मा पा ग मा रे सा ग रे ए ग पा आ नी ध आ नी सा आ नी ध पा मा ग रे सा आ। तो अंतरा पूरा मैं प्ले करता हूँ। तबले के साथ प्ले करता हूँ।
5, फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे पास काफ़ी लोगों का कॉल भी आता है, व्हाट्सएप पे अपनी वीडियोस भी भेजते हैं, तो आप मेरा जीमेल एड्रेस भी दिया, आप अपनी वीडियो भेज सकते हो मेरे को अपना प्ले करते हुए। उसमें कुछ कमी होगी या अच्छा बजा रहे होगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ये पूरी बंदिश आई होप आप लोग प्ले कर पाएंगे।